हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है जावेद। आप देख रहे हैं हेल्पफुल लॉ से यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे 2023 में IRCTC के ऊपर क्या क्या बदला है, यानी कि साल 2022 जो कि बीत चुका है उसके अंदर क्या क्या बदलाव किए गए हैं जो कि 2023 आते आते लागू हो गया है। दोस्तों नए नए ऑप्शन हैं, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले प्यार भरी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं 2022 की, जो कि बीत चुका है उसके अंदर क्या क्या बदलाव किए गए हैं जिसका फायदा आपको 2023 में नजर आ रहा है। तो आज जो मैंने अपडेट बनाया था, तो वो अपडेट सबसे पहला अपडेट है, खाने के ऊपर बदलाव किया गया है IRCTC के ऊपर। आपके क्षेत्रीय व्यंजन अब परोसे जाएंगे ट्रेन के अंदर, लेकिन प्रीमियम ट्रेनों के अंदर अभी परोसे जाएंगे, अभी सभी ट्रेनों में नहीं है। IRCTC के ऊपर 12 टिकट और 24 टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड लिंक करते हैं तो 24 टिकट बुक कर सकते हैं, अगर नहीं लिंक करते हैं तो 12 ही टिकट बुक कर सकते हैं। IRCTC के ऊपर बहुत से रेलवे स्टेशनों के ऊपर रिटायरिंग रूम की भी व्यवस्था की गई है साल 2022 में, यानी कि इसका फायदा 2023 में मिलेगा। बहुत से ऐसे छोटे छोटे रेलवे स्टेशन हैं जिसके ऊपर रिटायरिंग रूम की भी व्यवस्था की गई है। साल 2023 में जो सबसे अच्छा ऑप्शन आया वो IRCTC की ऐप के ऊपर आया। ऐप के ऊपर नया ऑप्शन आया फिंगरप्रिंट वाला, जिनके मोबाइल में फिंगरप्रिंट है वो बिना कैप्चा बिना पासवर्ड डाले लॉगिन कर सकते हैं IRCTC का अकाउंट। साल 2023 में बेबी बर्थ वाला भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो लोग बच्चों के साथ ट्रेवल करते हैं वो आराम से एक बर्थ अलग से लगवा पाएंगे। जैसे कि मैंने वीडियो बनाया हुआ था, अलग से बर्थ लगने वाला सिस्टम लखनऊ मेल में चालू भी हो गया है। दोस्तों इसी तरह के कुछ बदलाव किए गए 2022 में जिसका फायदा 2023 में मिलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात सीनियर सिटीजन कोटा की, आम बजट आने वाला है, हो सकता है सीनियर सिटीजन कोटा चालू कर दिया जाए। इसके ऊपर कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि चालू हो सकता है 2023 फरवरी में, यानी कि आने वाले महीने में। दोस्तों कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले आप तक पहुंचा दूंगा, उसके लिए जरूरी है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आए सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।